2015 की बात है, काम नहीं कर रहा था 2 साल। मैंने अपने लैपटॉप तक को हाथ नहीं लगाया था और मैं बिल्कुल म्यूजिक से दूर था, बाइपोलर डिसऑर्डर से मैं लड़ रहा था। मैं सिर्फ यही प्रे करता हूँ कि किसी को वो चीज़ ना हो, बिकॉज जो डेथ होती है वो एक एंड है, सफरिंग का एंड है, बट वो जो चीज़ है ना उस आपको पता नहीं है। मन है तो धन है, अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ही पैसा आएगा और तो ही पैसे आने का फायदा है। आप करोड़ों रुपए कमा लो और आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या पड़ेगा, वो कचरा रहेगा, वो पैसा नहीं है, वो कचरा है। हनी सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, और पिछले कुछ सालों से हमें ये डिबेट देखने को मिल रहा है कि हनी सिंह की जो रीसेंट म्यूजिक है, हनी सिंह के जो रीसेंट गाने हैं वो उतने अच्छे नहीं है अगर हम उन्हें कंपेयर करें हनी सिंह के पुराने ट्रैक्स है। और सिर्फ हनी सिंह के म्यूजिक में ही नहीं, हमें हनी सिंह के पर्सनालिटी में भी एक सडन चेंज देखने को मिला था जब हनी सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक किया था। हनी सिंह सडनली 2.5 साल के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गए थे और उस टाइम पे किसी को ये पता नहीं था कि हनी सिंह है कहाँ पे और हनी सिंह के ये अचानक से गायब होने का रीजन क्या है। सो हनी सिंह एक मेंटल सिकनेस से सफर कर रहे थे, विच वॉज बाइपोलर डिसऑर्डर। सो ये बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जैक्टली है क्या, ये कितना ज्यादा डेडली हो सकता है, मेंटल सिकनेस कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है एक आर्टिस्ट के करियर को। हनी सिंह जिनका करियर पीक पे चल रहा था, इस डिसऑर्डर की वजह से उनको 2.5 साल घर में गुजारने पड़े, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मैंने, मेरा खुद का भी ये था कि कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मीडिया कुछ बोल रही है, मीडिया कह रही रिहैब में चला गया, मीडिया कह रही ड्रग्स लेता था। जो आपके बारे में इंसान जो भी कह रहा है आप उससे दूर हो जाएं और काम को छोड़ दें। कैसे इसकी वजह से हनी सिंह की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई और हनी सिंह जिस कंडीशन में थे वहां से बाहर निकलना, दोबारा से कमबैक करना, फिर से गाने बनाना। तो अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट होता या फिर कोई दूसरा बंदा होता तो शायद वो ये नहीं कर पाता। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ हनी सिंह। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है और ये कितना ज्यादा डेडली हो सकता है, तुम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के पीछे भी इसको रीजन बताया जाता है। The Mumbai police who've been investigating into Sushant Singh Rajput's death by suicide have revealed some crucial details on Sushant Singh Rajput's internet activity days before his death. While at a press conference when the Mumbai police were speaking about how Sushant Singh Rajput was quite upset with Disha Salia and his ex-manager's suicide, they did reveal that days before Sushant Singh Rajput committed suicide, he googled for words like bipolar disorder, schizophrenia, and painless death. So what is bipolar disorder that's currently been discussed widely? Bipolar disorder is a mental health condition where the person experiences extreme mood swings, emotional highs like hypomania or lows like depression. In fact, the emotional mood swings might happen rarely or could happen multiple times a year. And while most people might experience emotional symptoms, many of them might not even. But the fact of the matter is that bipolar disorder is as common. 1 in 100 people have been diagnosed across the globe. Bipolar disorder ke bahut sare symptoms hote hain aur bahut sare case mein jin logo ko bipolar disorder ho rakha hota hai unhe pata bhi nahi hota that they are suffering from this disorder. और ऐसा ही कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ भी हुआ था। वो इस डिसऑर्डर से सफर कर रही थी और उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। डॉक्टर्स इस कंडीशन में बेड रेस्ट सजेस्ट करते हैं और उन्होंने अपने आप को एंगेज रखने के लिए अपना काम और ज्यादा बढ़ा दिया और अपने आप को और भी ज्यादा लोगों के साथ सराउंड कर लिया और इसकी वजह से उनकी ये कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ गई। और अगर हम कॉमन बाइपोलर सिम्टम्स की बात करें, पीपल फील सैड, होपलेस और इरिटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, लैकिंग एनर्जी, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड रिमेंबरिंग थिंग्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीडे एक्टिविटीज, फीलिंग्स ऑफ emptiness and worthlessness, feelings of guilt and despair, feeling pessimistic about everything, self-doubt. और यही सेम चीजें हनी सिंह के साथ भी हो रही थी। जब तक मुझे ये दिक्कत नहीं हुई थी मुझे लगता नहीं था इस चीज का कोई महत्व है लाइफ के अंदर कि यार मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये क्या होता है। सब कुछ फिजिकल हेल्थ है, अगर आपको खांसी जुकाम है तो आपकी गति रुक जाती है लाइफ के अंदर और आप एक हफ्ता दो हफ्ते में, एक 4-5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, फिर आप फिर से काम पे लग जाते हैं। तो
जो मेंटल हेल्थ है वो बंदे को बहुत टाइम तक और बहुत ज्यादा शैटर कर सकती है और हिला सकती है। और इसके लिए हनी सिंह ने 2.5 साल तक अपने आप को घर में ट्रैप किया। उन्होंने मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट किया। एक डॉक्टर से अगर वो क्योर नहीं हो पा रहे थे तो वो दूसरे डॉक्टर पे जंप कर रहे थे। उन्होंने काउंसलिंग करी और फाइनली ये मेंटल इलनेस या फिर इस डिसऑर्डर को ओवरकम किया। अगेन द पॉपुलर डिबेट, हनी सिंह की जो म्यूजिक है वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। और जैसा मैंने पहले बोला था, सिर्फ हनी सिंह की म्यूजिक ही नहीं, हनी सिंह की पर्सनालिटी, हनी सिंह के बात करने का तरीका, हनी सिंह जिस अंदाज में इंटरव्यू पहले दिया करते थे, और अगर तुम अब हनी सिंह के इंटरव्यू चेक करोगे, हनी सिंह में एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है। हनी सिंह अपने करियर के स्टार्टिंग में बहुत ही फ्रैंक थे, वो कैमरा पे कुछ भी बातें बोल दिया करते थे, सिमिलरली जैसे आजकल के जो नए रैपर है वो बोला करते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन दुनिया का बहुत प्यार मिल गया तो पूरी दुनिया घूम ली मैंने, वर्ल्ड वाइड घूम लिया है। लेकिन हिंदुस्तानी मेंटेलिटी ये होती थी कि लोग कहते थे यार गोरी मेम से शादी करनी है, गोरी मेम पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे हिंदुस्तानी या ब्राउन गर्ल्स की लड़कियां पसंद है। अगर कोई है यहाँ पे तो तालियां बजाए एक बारी। उनके अंदर वो यंग ब्लड वाली एनर्जी थी और तुम वो चीजें अभी भी फील कर सकते हो अगर तुम हनी सिंह के कुछ पुराने इंटरव्यूज या फिर पुराने वीडियोस चेक करोगे तो। पर अगर हम अब के हनी सिंह को देखें, अब हनी सिंह बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो चुके हैं, उनकी बात करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो ये जो चेंज है ये हमें हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर लाइक उनके डिप्रेशन से ओवरकम करने के बाद देखने को मिला है। तो हनी सिंह ने सिर्फ अपने बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन को ओवरकम नहीं किया है, हम ये बोल सकते हैं हनी सिंह बिकेम द बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। मेंटल हेल्थ इज वेरी सीरियस थिंग और इसकी वजह से कितने सारे आर्टिस्ट और कितने सेलिब्रिटीज ने अपनी जान तक गवाई है। हनी सिंह ने जब ये इलनेस डिटेक्ट किया उस टाइम पे वो अपने करियर के पीक में थे, उन्हें बॉलीवुड के प्रोजेक्ट मिल रहे थे, उनके सॉन्ग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो इंडिया टूर एंड इवन वर्ल्ड टूर कर रहे थे। पर ये सब चीजें सिर्फ बाहर से ही देखने में अच्छी लग रही थी, हम फैंस को लग रहा था उनकी लाइफ नॉर्मल है, बट रियलिटी ये था हनी सिंह अंदर से बिल्कुल टूटे हुए थे। हनी सिंह ने इससे फाइट करने का डिसाइड किया, उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया, वो सडनली गायब हो गए। मीडिया वाले ये भी बोल रहे थे कि वो रिहैब में है, उन्होंने ड्रग्स ले रखा है, पर हनी सिंह ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी। उनकी एब्सेंस में बहुत सारे अफवाह उड़ाए गए, उनका डाउनफॉल हो गया, दूसरे सिंगर्स और रैपर्स ने हनी सिंह की जगह तक ले ली। और इस जगह पे अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट होता या फिर दूसरा रैपर होता तो उसके लिए कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि इस इलनेस में जो दवाइयां दी जाती है उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और हनी सिंह के साथ भी एग्जैक्टली वैसा हुआ, हनी सिंह बहुत ही ज्यादा मोटे हो गए थे, पर इन सब के बावजूद हनी सिंह ने कमबैक किया। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि उनकी म्यूजिक में भी चेंज बहुत ज्यादा आ गया और उनकी म्यूजिक अब पहले जैसी नहीं है, बट स्टिल ही इज मेकिंग डिसेंट म्यूजिक। और अगर कोई मेंटल इलनेस या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, ये चीजें फेस कर रहा है, तो हनी सिंह उनके लिए मोटिवेशन है। अगर हनी सिंह इतनी खराब कंडीशन से वापस आ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं, आके गाने बना सकते हैं, हिट ट्रैक्स दे सकते हैं, तो बाकी लोग भी ये जरूर कर सकते हैं। और जैसे मैं लड़के आपके सामने आज फिर बैठा हूँ, फिर गाने बना रहा हूँ, फिर आप मुझे प्यार कर रहे हो, ऐसा सबके साथ होगा अगर। So this was the curious case of Hanis. So अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो entertain हुए, do let me know in the comment section। चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe कर लो, अपने भाई को support करो, Instagram पे follow कर सकते हो, Discord join कर सकते हो, और भी बहुत सारे link description में हैं। और हाँ, तुम लोगों को हल्दी फोम फेस वॉश का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करना और तुम अपने लिए वो buy कर सकते हो। So this was it, this was the video, thanks for watching the video, thanks again। थोड़ी सीधी हो जा, करूं बत्ती बंद मैं।